रिशूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी बड़ा कैमरा जो है। मैं भाईकला में खड़ा हूँ, तो अभी आज हम लोग जाने वाले हैं ग्रैंड रोड। ग्रैंड रोड में मतलब वहाँ पे अभी एक नया म्यूज़ियम खुला है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा, जहाँ की इंडियन सिनेमा की काफ़ी सारी वहाँ पे मतलब चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि पुराने टाइम पे कैमरा कैसे यूज़ होता था, कैसे लोग पिक्चर बनाते थे। वहाँ पर उनका स्टैचू भी है, मतलब जो भी वहाँ के जो मेन एक्टर थे, जैसे कि मतलब पुराने एक्टर जो थे उनके सबका वहाँ पर स्टैचू है। और वहाँ की टिकट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वहाँ की टिकट है 20 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन की, और वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मतलब मुंबई में अगर आप हैं तो जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह। अभी हम आपको वैसे तो बताने वाली हैं कहाँ पे कैसे, तो चलिए फिर चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो हे गाइस, व्हाट्सअप है वीवर सब वी आर एस ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग जैसे कि फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फिल्म स्टूडियो, जैसे हम लोग बताने वाले विकास ने, चलो फिल्म जैसे कि देख लो पहुँच गए हम लोग। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, अब ये जगह क्या है, कैसी है, इसका सिस्टम कैसा है, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सो वेट कीजिए तब तक। सो गाइस, अभी हम जैसे कि हम पहुँच चुके हैं, अभी हमने टिकट भी निकाल लिए, तो अभी हम जा रहे हैं ये बिल्डिंग ऊपर की तरफ, तो चलिए पहले देखते हैं, पहले वो म्यूजियम में फिर यहाँ पे आगे पीछे। जैसे कि हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं, तभी हमको दिखाते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, ये पहले की जो फिल्म थी, तरीके से पहले पिक्चर बनने के लिए कैसे करना है, क्या वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखेंगे मेले में मुझे कि क्लासेस में देखा जाए तो यहाँ से बनाएंगे। मोशन पिक्चर्स जो है उसका यहाँ पे आपको दिया हुआ, मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है, जैसे केव पेंटिंग, केव पेंटिंग में टिक किया था अपने, यहाँ पे पूरा आपको हिस्ट्री मिल सकती है इसके अंदर केव पेंटिंग्स की। आप बोल यहाँ से आप करके अलग अलग जो ऑप्शन दिए, ये जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ली चैपलिन, थॉमस एडिशन, कौनसे अपने कैनस्टर वाली मशीन पीछे देख सकते हैं, यहाँ से मैं उसको एग्जिट करके और यहाँ जाता हूँ टेस्ट ऑफ।
50 क्विंटल्स। उससे भी यहाँ पे आपको पूरे मोशन का ही वो वीडियो मिलेगा, जो भी मोशन की चीज़ें चलती हैं उस चीज़ में, यहाँ से भी वीडियोग्राफी में जा सकते हैं आप। चलो तो जो यहाँ पे मतलब पहले जो कैमरा यूज़ होते थे, लाइट यूज़ होती थी, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं ये पहले का कैमरा है जो शूट करने के लिए यूज़ किया जाता था, काफ़ी बड़ा कैमरा था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किशोर कुमार ने पूरा वो दिया हुआ है यहाँ पे 1940 के दशक के अंत तक पूरे सिनेमा संस्थान के जो कर्मचारी हैं। ये आप देख सकते हैं जो पहले कैमरे का लेंस यूज हुआ करता था वो भी आपको बता। ये था 2D कैमरा भी 200 mm एस्ट्रो बर्लिन टेली लेंस, जो इतना बड़ा लेंस यूज किया जाता था पहले। ये स्पॉटलाइट, या ये कैमरा जो आप देखते ही होंगे कहीं पहले, कैमरा थिएटर में आने में भी। ये पोर्टेबल 25mm का प्रोजेक्टर है जो पहले यूज किया जाता था। तो यू कैन सी द कैमरा, ये कॉन्वेक्स 35mm का कैमरा है जो पुराने टाइम में यूज होता था, आप देख सकते हैं। इक्लेयर एम्पियर 16mm का कैमरा देख सकते हैं, 1907 में फ्रांस में ये बना था, नॉइजलेस कैमरा, बिना आवाज के कैमरा हुआ। ये स्टोरी ऑफ अलाम आ रहा है, पुराने टाइम के जो थे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शब्बीर भाई गाना सुन रहे हैं। क्रॉस इंडियन सिनेमा, यहाँ पे शब्बीर भाई और शाकिब दोनों खाना सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं शब्बीर गाने सुन के मजा आ गई। बंदा पूछ रही क्या सुन रहा, रूबरू गाना सुन रहा। मुझे तो पबजी कर रहा है। बोलो जाके पबजी कर रहा है ये भाई, दूसरा पबजी चलो भाई इधर वो रूबरू। यहाँ पे इनको फिल्म देखने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शूटिंग रही है,
सब यहाँ, एक था टाइगर की शूटिंग कहाँ पे हुई थी वो भी आप चेक कर सकते हो। ये एक था टाइगर आपका कंप्लीट हुआ, फिर आप यहाँ से जा सकते हो इसको आगे करके। गुरु आपको दिया और अभी रेस की जो फिल्म की है, देखिए हर चीज़ की अरेंजमेंट जो शूटिंग की, मतलब जो जगह दी गई लोकेशन, वो लोकेशन आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। यहाँ से पूरा तो गाइस जैसे कि अभी हमने ये म्यूजियम खत्म कर दिया, अभी हम जा रहे हैं सामने की तरफ। अभी चलो शाकिब भाई चलते हैं। फिल्म फेस्टिवल हम मिल रहा है, देख सकते हैं। अभी हमको कौन सा देखना है, हमारे फिल्म फेस्टिवल अब हमारे तौर उसके कोलकाता मुंबई मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। गोवा मतलब गोवा की बोलने जाएंगे बात ही अलग है। देखिए आप सजावट और क्या है, तो खूबसूरती का मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया में भी खूबसूरती का मुकाबला नहीं है, इंडिया में भी है पर ठीक है, पर यहाँ इनके जो डांस के तरीके और जो लाइटनिंग किया हुआ है वो सब आप देख सकते हैं। कोलकाता, कोलकाता की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए ये सब भीड़ जो है, ये टावर के यहाँ से भी नहीं, वो जो ड्रोन आता है ना, ड्रोन उस चीज़ से लिया गया था वो जो पहले वाला शॉट आपने जो देखा है। यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल के जो अवार्ड मिलते थे पहले स्टार्टिंग से लेकर अब तक, 2015 से लेकर 2019 जो स्टार्टिंग 1952 तब से स्टार्ट बिकॉज सेफ जोन। आइए अभी हम आपको इतनी बड़ी टीवी में आपको फिल्म दिखाने लगे आगे ऐसे लोगों को। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके स्क्रीन टच लिया हुआ है, यहाँ से एनिमेशन सब देख सकते हैं। सो गाइस जैसे कि आपने अभी पहला फ्लोर देखा है जो जिसका मतलब फोर्थ से स्टार्टिंग करना पड़ता है, तो अभी इसका जो फ्लोर का नाम था वो सिनेमा अक्रॉस इंडिया है। अभी हमें नीचे फ्लोर दिख रहा है, उस फ्लोर पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन सिनेमा। तो अभी हम जा रहे हैं उस तरफ। तो चलिए साकिब भाई सभी को अच्छा लगा, ये आपका था सिनेमा अक्रॉस इंडिया। अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, जो सेकंड फ्लोर पे अपने ऊपर पे देख लिया कैमरा लेंस को सबका। अभी हम सेकंड फ्लोर पे आ गए, जो हम देख लीजिए नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, आप देख सकते हैं अभी। कैमरा किधर है हमारे विकास भाई हैंग हो चुके हैं। ये
बच्चे लोग की जो फिल्म है हमारे विकास भाई हमारे शब्बीर भाई फोटो निकलते हैं तो कैमरा में देखना पड़ेगा. सो गाइस अभी सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो गया, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ. तो चलिए फिर चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं. नहीं नहीं तो और मज़ा आने वाला देखने को. और ये फर्स्ट और लास्ट फ्लोर है क्योंकि हम फोर्थ फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, तो ये लास्ट फ्लोर है. यहाँ पे मीटिंग में मॉडल शाहरुख खान का ये आपको मेकअप का जो यहाँ पे दिया हुआ करीब चलिए फिर आइए आगे चलते. शब्बीर भाई अगर अभी जैसा देखने आया तो कितनी मजा आएगा, लोग उठ के सीटें फाड़ दें. सो गाइस आपने तो देख ही लिया होगा इंडियन सिनेमा, काफ़ी मतलब यादें पूरी ताज़ा हो गई है. दूसरी बार देखने जाएंगे तो दो जगह पे दिया हुआ, दो जगह में सबसे अच्छा हमको लगा वो किड्स वाला, वहाँ पे जो पीछे के जो फ्रेम चेंज होते हैं ऑटोमेटिक 3D इमेजिनेशन जो दिया हुआ है काफ़ी अच्छा था. तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए. ये कंबल हिल के यहाँ पे एकदम नज़दीक में ये ग्रांड रोड आप उधर सफायर्स कॉलेज के ठीक बाजू में ये गाइस यहाँ पे कंबल हिल ग्रांड रोड सफायर्स कॉलेज के बाजू में. और इससे मैं देना चाहूँगा 5 में से 10 स्टार क्योंकि ऑसम है. मतलब जो इमेजिनेशन में हमने किया था कि ऐसा रहेगा पर उससे कई बार क्या बोलते हैं भाई बहुत बैठा चाहिए. तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए. और ये जस्ट 19 तारीख को ही खुला है, अब भी नवा बहुत कम लोगों को पता है जगह. विकास भाई ने ढूंढ के हम लोगों को बताया ये जगह पे आना है. और 19 तारीख को खुला है. जिस दिन खुला है उस दिन यहाँ पे मोदी जी भी आए थे, किसी को पता नहीं. यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी मोदी जी ने किया था. और ये जनवरी 19 तारीख को है. तो अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं जितनी होनी चाहिए. इतना महंगा भी नहीं गाइस, 20 रुपया जैसा. आप यहाँ पर मूवी भी देख सकते हो 4 बजे से 5 बजे तक, घंटे की मूवी भी आपको फ्री है 4 से 5 की है. उसके सीधा टाइम नहीं है, 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम है. और उसके बाद यूनिक चीज़ है गाइस, जो आपने सोची भी नहीं है मूवी में क्या रहता है क्या नहीं रहता है क्या नहीं. वहाँ पे इन्फॉर्मेशन A to Z चीज़ स्टार्टिंग से लेकर मूवी कब स्टार्ट हुई कौन हीरो था कौन डायरेक्टर. बेमिसाल लगी बिल्डिंग दिखने में. बिल्डिंग दिखाई शाकिब भाई आपने, बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है. इधर साकिब भाई जरा टिकट देना, 20 रुपीज़ की टिकट दिया होगा. साथ में अंदर इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन है अंदर, आप देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन है टोटल. तो बेस्ट से बेस्ट व्यू अगर आप फोटो के लिए आपको यहाँ पे अलाउड है, हर चीज़ अलाउड है यहाँ पे. 20 रुपये के टिकट से आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख लेंगे. हमको भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि अंदर सब एकदम जितना इमेजिन किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा. तो अब अभी हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब आइए अपनी फैमिली के साथ, और काफ़ी अच्छी जगह है.